पेट गड़बड़ रहता है, थायराइड है, बीपी है और नींद यानी कि प्रॉब्लम है, नींद नहीं होती है, ये है। अब देखो कहां कहां से चलेगा, नींद की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, इंसोम्निया, थायराइड, स्टमक, बीपी। दैट मीन कहीं ना कहीं स्टमक पहले गड़बड़ हुआ, उस गड़बड़ होने से जो है इनका पहले क्या हुआ, खाने पीने का गड़बड़ है, खाना जो खाते हैं उसमें है थोड़ा सा, वो कंटिन्यूसली लंबे समय से गड़बड़ हो रहा है, उसके कारण स्टमक में प्रॉब्लम, थोड़ा सा लीवर और गॉल ब्लैडर में, और बीपी हाई हुआ तो किडनी में, किडनी का जो आपने इसको किडनी वाले पॉइंट को थोड़ा सा एनहांस करना, देन उसका अगर ऐसा हुआ तो इनसोम्निया की प्रॉब्लम, हमने जिक्र किया था कहीं इनसोम्निया का, वो इनसोम्निया का देखो कहाँ जिक्र किया, उन सारे पॉइंट पे अगर करेंगे, इवन इनके स्किन के ऊपर भी थोड़ा सा डीकलरेशन मेरे को दिख रहा है, पिगमेंटेशन, ये जो पिगमेंटेशन है ये भी आपने देखा, हार्मोनल इम्बैलेंस, विटामिन डी, ये सब थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो जाता है। अब आप करो डायग्नोस और देखो बोला कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, आप भी देखते रहो अच्छे से, क्लीन करना, इवन नेक्स्ट टाइम जब आप करो तो इल्यूमिनेशन करके, दैट मीन टॉर्च लगा के कान देखो लेना। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि हो सकता है कान के अंदर वैक्स हो, पस हो, स्किन फ्लेक्स हो, कोई कोई और भी चीज हो सकती है, तो जब आप प्रॉपरली कर, अब सबसे पहले इनका स्टमक गड़बड़ है, जस्ट फाइंड आउट कि स्टमक में कहां थी, स्टमक देखो, चलो 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 मैडम बताते रहो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। यानी है पानी, स्टमक देखो, स्पेशली जो स्पीरियल कोंका में ड्यूड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, क्योंकि जो पिगमेंटेशन स्किन का आ रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गड़बड़ है। हाँ देखो है यस दैट इज द पॉइंट, कहां पे आया, हाँ बिल्कुल ड्यूडिनम वाला स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा प्रॉब्लम, शाबाश लगाओ आप उसी जगह पे लगाना, देन हल्का सा प्रेस कर, मैडम ये 10 दिन तक आप रख सकते हो, नो इश्यू, आप देखो थोड़ा लीवर पे देखो भला, लीवर, गॉल ब्लैडर, आप करोगे एक ईयर में आप कर, सो दैट थोड़ा सा, एक बार मैंने एक लिखा था हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, दिस इज अ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, वंस यू विल हैव, ये जो एक फील है ना, जब आप डाइट, जब आप आपने सोचा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, वहां जाके जब फाइंड आउट करोगे, जो कॉन्फिडेंस लेवल जो आता है, जो समझ आता है, वो एकदम इनहांस होता है। Okay. अब इनसोम्निया पे आना, इनका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, यानी हाई बीपी, दैट मीन किडनी नीड टू बी रेगुलेटेड, स्प्लीन एंड किडनी बोथ द पार्ट, स्प्लीन बिल्कुल हार्ट के सामने, हाँ देखो बेटा स्प्लीन को डूबना सबसे इजी है, जो कान का शीत है इस जगह पे, हम बताते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग टेंडरनेस है, दैट मीन इम्यूनिटी सिस्टम कितना वीक हो चुका है,
सख्त हो रखा, ऐसे लग रहा है कोई स्किन का टेक्सचर ही अलग है। तो ये वाला स्किन पिगमेंटेशन भी इसके कारण आ रही है, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो, टेंडरनेस देखो उभरा हुआ हो। ठीक, अब इनको नींद नहीं आती। हाँ हाँ, किडनी पे हाइपर टेंशन, किडनी बिल्कुल यहाँ पे देखो कहाँ से, ये है ना, ये सुपीरियर मौका है ना, किडनी जो है यहाँ पे, रोका मत कर, आप यूरिन को रोका मत कर, वेट लॉस के लिए लिवर किडनी स्टमक स्प्लीन, वेट लॉस के लिए हार्मोन भी आएंगे। अगर मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा और वो हार्मोन आगे पीछे हो रहे हैं और मेरा खाने पीने का तरीका गलत है, सपोज करो मैंने खाना खाया फ्रिज का पानी पी लिया, वेट बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया, स्पेशली ऐसे लोगों का स्टमक मोटा हो जाता है। दूसरा, मैं खाना खा रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं फोन पे बात कर रहा हूं, मैं खाने पे ध्यान नहीं रहा, मेरा मैं मोटा होता जाऊंगा, ठंडा पानी पीने से मोटा होता, ठंडी चीजें खाने से, फ्रिज की चीजें खाने से मोटा होता, ऐसे कर। तो इन सब चीजें, हाँ हाँ, ये देखो ये टॉप वाला एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड देखो, गला गला कहाँ, हाँ वो कोई नहीं साइड में देखो, थायराइड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्मोन HPT पी ब्रेन वाला पॉइंट, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, वो थायराइड ऑटोमेटिकली कंट्रोल है, और इन्होंने थ्रोट वाला लगा दिया, हाँ हाँ देखो वो जो बाली पहनी है उसके ऊपर होगा, यही है यही, हाँ देखो पेन हो रहा है, ये लोकल, ये दो टाइप का पॉजिटिव फैक्टर, एक है कॉजेटिव फैक्टर रूट कॉज ऑफ द डिजीज, एक है लोकलाइजेशन ऑफ द डिजीज, ये अभी जो कर रही है लोकलाइजेशन, ब्रेन पे जो लगाया वो रूट कॉज, हाइपोथैलेमस गड़बड़ हो गया, उसने पिट्यूटरी को किया, उसने थायराइड को, व्हाट एल्स, सब कुछ हुआ, इंसोम्निया वगैरह चक्कर सब हुआ। ठीक है, अब मैडम थोड़ा सा पानी ठीक रहेगा, पानी काफी टाइम से कम पी रहे हो, और थोड़ा नमक ज़्यादा अभी आपके हिसाब से ज़्यादा हो रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है,